आपने बयानबाजी और कागजों पर वाहवाही बटोरने वाले कई अधिकारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उमरिया जिले के युवा कलेक्टर स्वरुचि सोमवंशी के बारे में, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले की सूरत ही बदल दी। 2012 बैच के युवा आईएएस स्वरुचि सोमवंशी को जिले का पदभार संभाले अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं और कलेक्टर ने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में वो परिवर्तन ला दिए हैं जो दशकों की मेहनत में नहीं आए। अपने 100 दिन के कार्यकाल में कलेक्टर ने परोपकार की वो मिसाल कायम की है जो जिले की आम जनता बयां भी नहीं कर सकती। कलेक्टर ने खुद के कमरों से एसी निकलवाकर पोषण पुनर्वास केंद्रों में लगवा दिए। अब जिले में होने वाली समय सीमा की बैठक भी गांव में आमजन के बीच होती है। कलेक्टर खुद गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं। जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। जिले के जल स्रोतों को संवारने कलेक्टर खुद ही फावड़ा लेकर तालाबों में उतर पड़ते हैं। 100 दिन में ही कलेक्टर ने जिले में वह लोकप्रियता हासिल की है जो वर्षों रहकर भी कोई हासिल नहीं कर सका। कलेक्टर को आम जनता के लिए मेहनत करते देख जिलेवासी कहते हैं कि जन जन का मसीहा कलेक्टर बनकर आया है। कमलनाथ जी की सरकार आई, तब से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हुई है और उमरिया जिला की जहाँ तक बात है, तब से यहाँ नया प्रशासन आया है, नए कलेक्टर आए हैं, सरोजी सोमवंशी जी आए हैं, तब से जन समस्याओं का तत्काल निराकरण की जो प्रवृत्ति आई है उससे शासन के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा है। भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे इंदौर क्षेत्र का एक शिक्षक के साथ भ्रष्टाचार वाला मामला हो, चाहे उमरिया के शिक्षक के साथ भ्रष्टाचार वाला मामला हो, कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई की और पैसे भी वापस दिलाए और अपराधियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। भीषण गर्मी में जब एसी की संस्कृति थी, उस संस्कृति को तोड़ते हुए यहाँ के जिला प्रशासन ने अपने एसी हटा के एनआरसी में लगवाए, बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए लगाए। चाहे आकाशकोट में जल समस्या की बात हो, खुद जिला प्रशासन जूझा और जितना अधिक से अधिक जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया जा सकता था सब किया गया। जहाँ तक बात टाइम लिमिट की बैठक की थी, पहली बार जिला मुख्यालय से हट के सुदूर गांव में टाइम लिमिट की बैठकें होने लगी। उससे हुआ ये कि आम आदमी जो अपनी समस्याएं जिला मुख्यालय तक कलेक्टर तक पहुंचा नहीं सकता था, पूरा जिला प्रशासन उसके दरवाजे तक गया। हमारी सरकार, हमारी कमलनाथ जी की सरकार की यही सोच है कि आपकी सरकार आपके द्वार, उस थीम पे काम करते हुए हमारा जिला प्रशासन निरंतर जिले की जो विरासत में 15 सालों की समस्याएं मिली है उसके निराकरण के लिए तत्परता से काम कर रहा है। उमरिया से टाइम्स डे इंडिया के संवाददाता राजेश पांडे की खास रिपोर्ट।